अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं उस्मान और आज भाई हम बहुत ही एक ख़ास मकाम पर आए हुए हैं, एक तारीखी मकाम, एक तारीखी मस्जिद। मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं, ये है मस्जिद किबलातैन। किबलातैन मतलब दो किबलों वाली मस्जिद। तो इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं, मेरे साथ रहें। अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसको किबलातैन क्यों कहा जाता है, दो किबलों वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है। जो मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये है मस्जिद किबलातैन। ये वाकया है मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में, वादी अकीक में वाकया है। वादी अकीक ये वो वादी है जिसको जन्नत की वादियों में से एक वादी कहा गया है। मदीना में जिन जिन जगहों से अलैहिस्सलाम का बार बार गुजर हुआ, बार हाँ गुजर हुआ, तो उसको फिर जन्नत की वादियाँ कह दिया गया, जिसमें से एक वादी वादी अकीक भी है जिसमें मस्जिद किबलातैन है। तो मेरे साथ चलें, मैं आपको इसकी मस्जिद किबलातैन की हिस्ट्री बताता हूँ कि मस्जिद किबलातैन को मस्जिद किबलातैन क्यों कहा जाता है, दो किबलों वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है। यहाँ पे एक बड़ा ख़ास वाक़िया हुआ था, तो मेरे साथ रहें। तो इंशाल्लाह अभी अंदर भी चलते हैं, अंदर से भी इंशाल्लाह मस्जिद को देखेंगे, अभी बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। और यल्ला, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसी जगह पर अलैहिस्सलाम के दौर में इस जगह पर कबीला आबाद था, कबीला बनू सलमा। अलैहिस्सलाम यहाँ पर किसी की इयादत करने आए और यहाँ पे जोहर का वक्त हो गया, तो अलैहिस्सलाम जोहर की नमाज अदा कर रहे थे कि बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो गई जिसका मफहूम है कि हम आपका बार बार ऊपर देखना देख रहे हैं, तो आपको जो किबला पसंद है आप उस तरफ मुँह कर लें। तो बाकी का वाक्य इंशाल्लाह मैं मस्जिद के अंदर जाके बताता हूँ, वो फिर बताने का मज़ा भी आएगा। अब मैं आपको ये डिटेल बता देता हूँ कि मस्जिद किबलातैन को किबलातैन क्यों कहा जाता है। किबलातैन, किबला मतलब एक किबला, किबलातैन मतलब दो किबलों वाली मस्जिद। यहाँ पे हमारा किबला चेंज हुआ था, तो अभी अंदर चलते हैं, वो पूरा वाक्य इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, मस्जिद किबलातैन के अंदर जाते हैं, अंदर से भी ज़ियारत करते हैं और बाहर से भी मैं आपको सारा इसका व्यू दिखा दिया। अभी अंदर चलते हैं। ये भाई मस्जिद किबलातैन का ऐसे ऊपर रास्ता जा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे वजू का पूरा सिस्टम है, लेडीज़ का अलग है, मर्दों का अलग है। तो ये बहुत ही दरख्त देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी खूबसूरती। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि लेफ्ट साइड पे इसे कब्रिस्तान है, ठीक है, और ये पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मस्जिद किबलातैन का। ये रोड दिखाई कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी, मैं भी मस्जिद के साथ मिला दें, सारी उसी की कंस्ट्रक्शन हो रही। तो हम चलते हैं मस्जिद किबलातैन के अंदर इंशाल्लाह। तो अंदर मैं आपको पूरा वाक्य बताता हूँ कि क्या हुआ। आप देख सकते हैं छोटी सी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं अंदर से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भाई मस्जिद किबलातैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हुआ कुछ यूं कि अलैहिस्सलाम पर फौरन वही नाजिल हुई कि आप अपना किबला चेंज कर लें। अब उस वक्त अलैहिस्सलाम का रुख इस तरफ था, अभी जैसे मस्जिद में एंटर होते हैं हमारा भी बैतुल्लाह इस तरफ है, बैतुल्लाह, ठीक है। अब इस मस्जिद की ख़ास बात क्या है कि इस जगह पर जो बैतुल्लाह है और जो बैतुल मुक़द्दस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये देख रहे हैं बैतुल्लाह इस तरफ है और बैतुल मुकद्दस इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 के एंगल पे हैं, ठीक है। अब अलैहिस्सलाम को हुक्म नाजिल हुआ कि आप अपना किबला रुख चेंज कर लें। अलैहिस्सलाम इस तरफ रुख करके नमाज अदा कर रहे थे, ऊपर आप देख सकते हैं जाय नमाज बनाई हुई है, ये बैतुल मुकद्दस की निशानी जो हमारा किबला अव्वल था, ठीक है। तो अलैहिस्सलाम इस तरफ मुँह करके नमाज अदा कर रहे थे कि पीछे सफ़ थी, पीछे सफ़ थी। तो अलैहिस्सलाम को जब हुक्म नाजिल हुआ तो अलैहिस्सलाम ने अपना रुख चेंज किया और किबला रुख आ गए, यानी जो पीछे सफ़ थी ना उसको चीरते हुए दूसरी तरफ आ गए और किबले की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा मुबारक कर लिया और नमाज नहीं तोड़ी। जोहर की नमाज अदा कर रहे थे, जोहर की नमाज अदा कर रहे थे कि दो रकतें पढ़ चुके थे, दो रकतें पढ़ चुके थे और पीछे सफ़ को क्रॉस करके इस साइड पे आ गए और जो दूसरी तरफ पीछे जो ऐसे सफ़ थी
जिनका रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ था, उन्होंने सब ने अपना रुख चेंज किया और बैतुल्ला की तरफ मुंह कर लिया, यानी किसी ने भी नमाज नहीं तोड़ी। ये आप देख सकते हैं, ये इसी की निशानी है, इसीलिए इसको बैतुल मुक यानी दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है कि इधर इस जगह पे बैतुल मुकद्दस और बैतुल्ला, ये देख सकते हैं इधर ही हमारा किबला चेंज हुआ था और आज तक हमारा किबला बैतुल्ला है। यहीं पे हमारा किबला चेंज हुआ, इसलिए इसको मस्जिद किबलातैन मतलब दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। और इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे आप देख सकते हैं कि बैतुल्ला और बैतुल मुकद्दस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर अलैहिस्सलाम इयादत करने आए थे किसी की, यहाँ पे कबीला आबाद था, बनू सलमा, कबीला बनू सलमा यहाँ पे आबाद था। तो यहाँ पे फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला के हुक्म से आकर अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद में, इस जगह में, इसका जो पुराना नाम बताया जाता है मस्जिद बनी सलमा, तो अभी तो इसका नाम माशाल्लाह मस्जिद किबलातैन है। तो यहाँ पे हमारा किबला चेंज हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं, यानी एक तारीखी मस्जिद है। ये वो मस्जिद हैं जिनमें आकर अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये खुतबे के लिए, और ये इमाम साहब का, इमाम साहब की जगह जहाँ पर नमाज अदा करवाई जाती है, देख सकते हैं माशाल्लाह सामने सफाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। तो ये एक मदीना मुनव्वरा की तारीखी मस्जिद है। ये था हमारा मस्जिद किबलातैन से एक व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाता हूँ या जो भी हम फूड को इंजॉय करते हैं तो वो आप लोग देख सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।